हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहाज क्रिएटिविटी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेनिस का डे सेकंड ब्लॉग। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोगों ने अपने अपार्टमेंट से ट्रेन लिया और हम लोग आए वेनिस के मेन स्टेशन सेंट लूसिया। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया और कुछ फोटोग्राफी की। उसके बाद हम लोगों ने बोट लिया और हम लोग गए सेंट मार्को। हम लोगों ने बोट ली और हम लोग पहुंचे सेंट मार्को। आज हम लोगों की जो मेन एक्टिविटी थी वो थी गंडोला राइड। गंडोला राइड का हम लोगों ने टिकट लिया और जो गंडोला राइड के टिकट्स थे वो राइड के हिसाब से थे। आप जितनी देर के राइड लेंगे उसके हिसाब से टिकट्स के प्राइसेस थे। तो हम लोगों ने राइड लिया और एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था गंडोला राइड का। बोट जैसे हिल रही थी तो डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था और एक व्यू जो था वो भी डिफरेंट था, क्योंकि स्मॉल कैनाल के थ्रू जा रही थी और डिफरेंट कैनाल थी, सीनिक था, तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और बोट के अपने स्टॉप पॉइंट्स भी थे जैसे बसेस के होते हैं, हर जगह बोट जा भी नहीं सकती थी, तो वो सब देखने के लिए मिला तो बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट एक्सपीरियंस तो वैसे भी एकदम अमेजिंग ही होता है हर किसी का। अनवित का बस नहीं चल रहा था लेकिन उसका मन कर रहा था कि वो तो बस कूद जाए कैनाल में और नहाना शुरू कर दें, तो बहुत ही कसके पकड़ के बैठे हुए थे और गंडोला जैसे हिल रही थी तो बहुत डर भी लग रहा था लेकिन अच्छा भी बहुत लग रहा था। हम लोगों ने गंडोला राइड फिनिश की, काफ़ी पिक्चर्स क्लिक की और उसके बाद हम लोग ऐसे पानी में पैर डाल के बैठ गए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और पानी में ऐसे पैर डाल के बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और अनवित भी बहुत इंजॉय कर रहा था। ये था हमारा आज का लंच। तो आज वेजिटेरियन पिज़्ज़ा और स्पेगेटी था। हर सिटी में वेजिटेरियन पिज़्ज़ा एकदम डिफरेंट था, डिफरेंट सिटी में डिफरेंट वेजिटेबल्स डालते थे। लंच किया, उसके बाद हम लोगों ने लिया वेनिस का वॉकिंग टूर, क्योंकि वेनिस पूरा वॉक करके ही घूमने वाला है और वहाँ की जो छोटी छोटी स्ट्रीट थी वो एकदम ऐसी थी लाइक भूल भुलैया, आप पता ही नहीं चलेगा कि किस स्ट्रीट से आप घुसे और कहाँ से निकल गए। वहाँ की जो शॉप्स थी, डिफरेंट चीज़ें थी, बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी सारी मैंने पिक्चर्स क्लिक की तो आपको अभी देखने के लिए सब मिलेंगी। और ये थे वहाँ के डिफरेंट पिज़्ज़ा बेस, तो एकदम अलग ही थे। और ये थी वहाँ की स्वीट्स जो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि एकदम फ्रूट्स के शेप में थी और डिफरेंट शेप्स था, एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था।
और ये थी हमारी आज की फर्स्ट जिलेटो। तो आज हम लोगों ने डिफरेंट फ्लेवर ट्राई किया। अनवित ने भी आइसक्रीम खूब इंजॉय की। इतनी आइसक्रीम मैंने उसको कभी नहीं दी जितनी उसने इटली ट्रिप में खाई। से हम लोगों ने बोट के थ्रू और वॉक के थ्रू वेनिस एक्सप्लोर किया। वेनिस का एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट था, अमेजिंग था। हम लोग वेनिस में 2 डेज़ के लिए थे और 2 डेज़ हम लोगों को इनफ लगे। हम लोगों को नहीं लगा कि हम लोगों को 3rd डे भी स्टे करना चाहिए, बाकी सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग था। जो डिफरेंट कैनाल्स थी और जो सीन थे वो एकदम अलग ही थे। तो हम लोगों ने वेनिस की जो दूसरा स्टेशन है मिस्त्रे, वहाँ से हम लोगों ने इटालो ट्रेन ली फ्लोरेंस के लिए। और हम लोग आज फ्लोरेंस के लिए फाइनली हम लोग फ्लोरेंस पहुँचे। ये था हमारा अपार्टमेंट, हम लोगों ने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था। ये थी किचन और ये था हमारा बेडरूम। तो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी फैसिलिटी थी, तो बहुत ही अच्छा लगा फ्लोरेंस में। और ये था एक छोटा सा लिविंग रूम और ये था हमारा बाथरूम। तो ऐसे था हमारा आज का दिन। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलें, क्योंकि आगे आपको और भी मेरे ट्रैवलिंग वीडियो मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।